Good afternoon. All of you. अच्छा, तो जो वैल्यूएशन वाला चैप्टर फिक्स इनकम का चल रहा है ना, उसको आज खत्म करने का है, राइट? इफ आई वांटेड आई कुड हैव कंप्लीटेड इट इन टू सेशंस, बट आई एम गोइंग स्लाइटली स्लोली, क्योंकि ये थोड़ा भारी टॉपिक है। तो आज के लिए मैंने जो बाकी रखा है ना, वो क्या है कि स्पॉट रेट्स, फॉरवर्ड रेट्स और एक छोटा कॉन्सेप्ट है पार रेट्स, राइट? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो स्पॉट रेट्स और फॉरवर्ड रेट्स ही है, और उसमें कैलकुलेशन आते हैं। स्पॉट रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो सबसे पहला लेक्चर हुआ था उसमें स्पॉट रेट्स को हमने ऑलरेडी देखा था, याद है ऑल ऑफ यू? स्पॉट रेट क्या होता है? व्हाट इज स्पॉट रेट? Yes, anyone? What is spot rate? Market discount rate on a single day. करेक्ट, सिंगल पेमेंट के लिए जो रेट होता है, मतलब पर्टिकुलर मैच्योरिटी के लिए, जो पर्टिकुलर मैच्योरिटी है, सपोज मैं बोलूं कि 1 साल के लिए कोई ट्रांजैक्शन करना है तो क्या रेट लगेगा, 2 साल के लिए करना है तो क्या लगेगा, 3 साल के लिए करना है तो क्या लगेगा, राइट? और ये सारे गवर्नमेंट के रेट्स है, मतलब रिस्क फ्री रेट्स है, यू आर नॉट अकाउंटिंग फॉर द रिस्क, राइट? तो जैसे प्रैक्टिकल इंडिया में जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग गवर्नमेंट बॉन्ड पे होने चाहिए रेट्स वो, बट प्रैक्टिकली जो पीएसयू बैंक्स का एफडी है, पीएसयू बैंक्स ऑल्सो एंजॉय सोवरेन गारंटी, तो वो रिस्क फ्री ऐसा ही हुआ। तो अपने यहाँ जो 1 साल का रेट, 2 साल का रेट ऐसा होगा ना, दोज आर कॉल्ड स्पॉट रेट्स। और स्पॉट रेट्स का दूसरा नाम क्या है? जीरो रेट्स। स्पॉट रेट्स का दूसरा नाम है जीरो रेट्स, बिकॉज जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है कि जिसमें एक ही पेमेंट आता है लास्ट में, राइट, उस जैसा ही ये कॉन्सेप्ट हुआ। और हमने ये भी देखा था कि अगर स्पॉट रेट्स दिए हैं तो बॉन्ड का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सी सपोज लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल के मान लो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, इनके लिए जो स्पॉट रेट्स हैं
वो 5% 6% और 7% है, ठीक है। These are the spot rates for 1 year, 2 year and 3 years. मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन एक साल का होगा तो 5%, 2 साल का ट्रांजेक्शन तो 6%, 3 साल का है तो 7%, ठीक है। और हमको मान लो वैल्यू निकालना है, we want to find value, और जो बॉन्ड का स्पेसिफिकेशन है वो ऐसा है, you got rupees 1000, 8% 3 year bond, right? Rupees 1000, 8% 3 year bond, ये है अपने पास, ठीक है। तो इसके कैश फ्लो क्या होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, 1000 का 8% 80 रुपया, अगेन 80, और थर्ड ईयर 80 plus 1000, तो ये कैश फ्लो होंगे, राइट। और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हमको, तो 80 अपॉन एक साल का रेट 5%, मतलब 1.05:1, यहां पे 1.06, लेकिन 2 साल है तो 2:1, और यहां पे 1080, 1.07:3, राइट। तो एक बार निकाल लो, एक बार आंसर निकाल लो, ओके। क्या है आंसर, वन जीरो टू एट पॉइंट नाइन नाइन, तो लेट मी से 1029, ये अपना बॉन्ड का वैल्यू आ गया, आज की तारीख में बॉन्ड का ये वैल्यू है। दिस इज जस्ट अ रिवीजन, ये हमने किया हुआ है, राइट। अच्छा, आ रहा है सबका आंसर ऑनलाइन, ऑल ऑफ यू आर ओके, अच्छा। अब ये जो मैंने लिखा है ना कि 1 year 2 year 3 year, उसको मैं टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करूं, उसको मैं टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो कैसा दिखेगा, विल लुक लाइक दिस। See, आज मतलब T0, एक साल बाद T1, 2 साल बाद T2, 3 साल बाद T3, तो स्पॉट मतलब अभी से लेके एक साल का ट्रांजेक्शन करना है तो एप्लीकेबल रेट क्या है, 5%। अभी आज से लेके 2 साल तक का ट्रांजेक्शन करना है तो रेट है 6%, और आज से लेके 3 साल तक का करना है तो रेट है 7%। दिस इज हाउ योर स्पॉट रेट्स विल लुक ऑन अ टाइमलाइन पे ऐसा दिखेगा, बराबर। अच्छा, तो ये स्पॉट है, तो फिर फॉरवर्ड रेट्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड रेट। तो एज द नेम सजेस्ट, फॉरवर्ड, अभी नहीं, फ्यूचर, राइट। कि अगर मैं ये बोलूं के 1 year रेट आफ्टर 1 year, राइट, ये लिखना है, लिख लो यहां पे एरो करके, इसको क्या बोलेंगे, 1 year रेट इन 1 year, दैट इज यूजुअली हाउ दे डिस्क्राइब इट इन द एग्जाम्स। 1 और 2 के बीच का रेट क्या बोलते हैं, 1 year रेट इन या आफ्टर 1 year। और मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिखता हूं, R12,
एक से दो के बीच का, तो ये आर वन टू क्या हुआ, फॉरवर्ड रेट हुआ, क्योंकि आज से नहीं चालू हो रहा है, वो कब से चालू हो रहा है, एक साल बाद, एक साल के लिए, राइट। सिमिलरली ये वाला रेट, ये क्या है, वन ईयर रेट आफ्टर टू ईयर्स, मैं लिखता हूं आर टू थ्री, ये भी क्या है, फॉरवर्ड रेट है, ये एक साल का रेट है जो दो साल के बाद चालू होगा, राइट। तो हमें हमें ये आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड फॉरवर्ड रेट्स, हाउ टू फाइंड फॉरवर्ड रेट्स फ्रॉम स्पॉट रेट्स, कि अगर हमको स्पॉट रेट दिए हैं तो फॉरवर्ड रेट कैसे निकाले, वो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इजी है, क्या करना है, सपोज अपने को आर वन टू ढूंढना है, सपोज अपने को आर वन टू ढूंढना है, तो क्या करेंगे, अपना बेसिक टाइम वैल्यू का इक्वेशन क्या होता है, कि भाई फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, वन प्लस आर बाय हंड्रेड इज टू एन, बराबर। अब सपोज मुझे आर वन टू ढूंढना है, सपोज मुझे आर वन टू ढूंढना है, तो लॉजिक क्या है, कि मैं जीरो से वन जाऊं और वन से टू जाऊं, राइट। सपोज मेरे पास सौ रुपया है, सपोज मेरे पास सौ रुपया है, तो सौ रुपया टी जीरो पे है, वो एक साल बाद कितना बन जाएगा, तो इंटू वन प्लस फाइव बाय हंड्रेड इज टू वन, राइट। सौ रुपया आफ्टर वन ईयर इतना बन जाएगा। फिर सपोज उसको मैंने इन्वेस्ट कर किया एक साल के बाद, फिर से एक साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया कौन से रेट पे, आर वन टू पे, तो क्या बन जाएगा, वन प्लस आर वन टू बाय हंड्रेड अगेन रेज टू वन, राइट। मतलब एट द एंड ऑफ टू ईयर्स, एट द एंड ऑफ टू ईयर्स मेरा इतना बन चुका होगा, और उसके सामने या मैंने क्या किया, जीरो से वन गया, वन से टू गया, लेकिन उसके सामने ऐसा भी तो कर सकता हूं कि सीधा जीरो से टू चला जाऊं, सीधा पैसा दो साल के लिए भी रख सकता हूं, तो उस लॉजिक से सौ रुपया रखा होगा तो दो साल के बाद क्या हो जाएगा, वन प्लस सिक्स बाय हंड्रेड, दो साल मतलब स्क्वायर, ये हंड्रेड तो सिर्फ लिखने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। बेसिकली आपके माइंड में क्या सेट होना चाहिए कि वन प्लस फाइव बाय हंड्रेड इंटू वन प्लस आर वन टू बाय हंड्रेड इज इक्वल टू वन प्लस सिक्स बाय हंड्रेड स्क्वायर, और हमेशा जो पावर्स होंगे ना वन प्लस वन टू, वो मैच होने ही चाहिए, वो मैच होने ही चाहिए। तो इस पे से हम क्या लिख सकते हैं, 1.05 इनटू 1 प्लस आर वन टू बाय 100 इक्वल टू 1.06 स्क्वायर, तो 1.06 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.05 कर दो और फिर माइनस वन इंटू हंड्रेड कर दो, आपको आर वन टू मिल जाएगा, फाइंड करो। हाँ, सेवन के करीब आएगा, 7.01%, ठीक है। तो ये हमने फॉरवर्ड रेट फाइंड कर लिया 7.01%, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, हाँ ठीक है। अच्छा फिर टू थ्री करते हैं, लेट अस फाइंड दिस, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है, यस सर, ओके। अच्छा अब आर टू थ्री करते हैं, ये रख करू, रख कर दू, हाँ लिख लो,
सी सेम लॉजिक से टू थ्री का डेवलप करते हैं कि टू थ्री है मतलब दो साल सोचो और तीन साल सोचो राइट कि टू थ्री हमको फाइंड करना है तो वन प्लस सिक्स बाय हंड्रेड दो साल तक इंटू एक साल आर टू थ्री बाय हंड्रेड इज इक्वल टू सीधा तीन साल करो फाइव आर टू थ्री फाइंड करो आर टू थ्री क्या आ रहा है नाइन पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ठीक है ऑल ऑफ यू समझ आया सबको सो दिस इज हाउ यू फाइंड फॉरवर्ड रेट्स फ्रॉम स्पॉट रेट्स अब जो हमारी बुक है उसमें जो इलस्ट्रेशन मैं बोलता हूं वो सॉल्व कर लो पेज 262 पे जो दिया है ना मतलब चालू हो रहा है 261 एकदम नीचे से 261 एकदम नीचे एग्जांपल कंप्यूटिंग ऑफ फॉरवर्ड रेट्स फ्रॉम स्पॉट रेट्स वो और उसका नेक्स्ट एग्जांपल कर लो पेज 261 टू एग्जाम्पल्स
Sí,
आ रहा है आंसर सबका? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द आंसर? बढ़िया है। दो एग्जांपल्स है, ठीक है ना ऑल ऑफ यू? तो मेरे हिसाब से दूसरा कुछ एग्जांपल भी करते हैं अपने। ये तीन ट्राई करो, ट्राई दिस थ्री। टू ईयर रेट आफ्टर टू इयर्स, थ्री ईयर रेट आफ्टर वन ईयर एंड वन ईयर रेट आफ्टर थ्री इयर्स। ये तीन चीजें ट्राई करो सेम लॉजिक से। चल पढ़ पढ़ मेरे हैंडराइटिंग बिगड़ते जा रहे हैं, करना पड़ेगा, छोटे भी होते जा रहे हैं। 8 मिनट के लिए हाँ ऐसा बोल सकते हैं। टू ईयर रेट आफ्टर टू ईयर्स तो क्या होगा, ये दो और चार के बीच का है, दो और चार के बीच का है, तो दो साल मतलब 1+6.5/100:2, फिर तीन और चार साल मतलब 1+R2/4:2, ठीक है, जीरो से दो गए फिर तीन चार हुआ, और डायरेक्ट चार साल 1+7.5/100:4, ठीक है, तो ये फाइंड करो, डिवाइड बाय ये होगा, पी ए स्क्वायर है वहां जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेट मी शो यू क्या होगा कि 1+R2/4/100² = 1.075:4/1.065². तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा, ये स्क्वायर था मतलब इसका आंसर जो आएगा वो रेस टू हाफ हो जाएगा और फिर -1 × 100। आने तो दूसरों के
कितना रहा आंसर? 8.51. ऑनलाइन ऑल ऑफ यू रेटिंग दिस? आ रहा है सबका? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ऑनलाइन. प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके. फिर 3 ईयर रेट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद 3 साल वाला रेट. तो पहले 0 से 1 मतलब 1.06:1, फिर 1+1.4, 3 साल हो जाएंगे और डायरेक्टली 4 साल. हाँ, क्यूब रूट के लिए क्या करोगे? ये जो आएगा ना आपका, ये जो आपका बनेगा 1+R14/100=1.075:4, फिर 1.06:1 डिवीजन में, फिर यहां से 3 हटेगा तो क्या करने का? 1/3 करने का, मतलब y^x और ब्रैकेट में 1/3, इजंट इट? या जस्ट y^x और फिर 0.333, ऐसा लिख दो तो भी चलेगा.
ये आंसर आया आपका। लास्ट ये वाला करना है, वन ईयर रेट आफ्टर थ्री इयर्स, इट शुड बी सिंपल। 1.07 raised to 3 into 1 plus 34 by 100 raised to 1 equal 1.075 raised to 4. Nine point zero two. क्या है 9.01? ओके, कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू। अच्छा, जब हमने सेशन चालू किया तो हमने क्या देखा था, इस स्पॉट रेट्स अगर दिए हैं तो बॉन्ड का प्राइस फाइंड कर सकते हैं, तो उसी तरह से अगर फॉरवर्ड रेट दिए हैं तो भी बॉन्ड का प्राइस फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो सपोज आई एम स्टिकिंग टू दिस, सॉरी नॉट दिस, बट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज 1-2-3 साल के ये स्पॉट रेट्स है 9, 10 और 11। फॉरवर्ड रेट्स क्या होंगे, पहला फॉरवर्ड रेट तो वही है 9%। जब यहां लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 के बीच का, वो जल्दी से मेरे को फाइंड करके बताओ, व्हाट विल बी द फॉरवर्ड रेट बिटवीन 1 एंड 2। ग्यारह के करीब आएगा, देखो 11.01%। और फिर 2 और 3 के बीच, थर्टीन पॉइंट जीरो थ्री परसेंट। ठीक है, तो हमको अगर स्पॉट रेट दिए होते, सपोज अपना बॉन्ड है ₹100, 6% 3 ईयर, हमारा जो बॉन्ड है वो है ₹100, 6% 3 ईयर बॉन्ड, ठीक है। तो अगर स्पॉट रेट से निकालना होता तो क्या करते हैं, 6 अपॉन 1.09
प्लस 6 अपॉन 1.10 स्क्वायर प्लस 106 अपॉन 1.11 रेस टू 3 कौन सा आ जाता। सिमिलरली अगर फॉरवर्ड से निकालना है तो क्या करेंगे के बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू पहला तो वही होगा 6 अपॉन 1.09 रेस टू 1 प्लस दूसरे साल जो 6 रुपया आएगा उसमें हम लिख सकते हैं कि 1.09 रेस टू 1 इंटू 1.1101 रेस टू 1 ऐसा और प्लस लास्ट में तीसरे साल जो 106 रुपए आ रहे हैं वो 1.09 रेस टू 1 1.1101 रेस टू 1 एंड 1.1303 रेस टू 1 ठीक है। दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करो आंसर सेम आपका आएगा। ये क्या रहा है हाँ तो ये भी आप करो लगभग उतना ही आंसर आ जाएगा। तो स्पॉट रेट से भी कर सकते हैं फॉरवर्ड रेट से भी कर सकते हैं। सेम आंसर थोड़ा ही फर्क पड़ेगा वो राउंडिंग के कारण होगा। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू गॉट इट यस सर यस सर ठीक है। अपनी बुक में भी देखो एक एग्जांपल दिया होगा फाइंडिंग बॉन्ड वैल्यू विद फॉरवर्ड रेट्स वो कर लो। पेज 264 पे एक एग्जांपल है
हो रहा है बोलो ऑल ऑफ यू, ठीक है हो गया ना। अच्छा तो अब तक हमने क्या सीखा कि स्पॉट से फॉरवर्ड रेट, बट उल्टा भी आना चाहिए कि इफ फॉरवर्ड रेट्स आर गिवन देन वी शुड बी एबल टू फाइंड द स्पॉट रेट्स, करेक्ट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज ये फॉरवर्ड रेट्स है बराबर, और वन में लिखा है मतलब 0 to 1, टू में लिखा है मतलब 1 to 2, ये फॉरवर्ड रेट्स है, और यहां लिखा है मतलब 2 to 3, राइट। तो दीज आर फॉरवर्ड रेट्स और हमें फाइंड करने हैं स्पॉट रेट्स, हमें क्या फाइंड करना है स्पॉट रेट्स, करेक्ट। तो हम जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना वो तो कर ही सकते हैं, हम जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं See, पहला तो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट कोई फर्क ही नहीं है, तो वो तो 8% ही आएगा बराबर। अब सपोज ये वाला स्पॉट रेट हमको फाइंड करना है, सपोज ये वाला स्पॉट रेट फाइंड करना है, लेट मी शो यू ऑन द टाइमलाइन। T0, T1, T2, T3 हमें जो दिए हैं वो ये 8% है, ये 9% है और ये 10% है, ठीक है। तो सपोज अभी मेरे को ये तो 8% है स्पॉट रेट, अभी ये फाइंड करने का है, लेट मी से R02 से लेके 2 साल ये फाइंड करना है। तो हमारा जो लॉजिक था ना ये 0 से 2, तो 1 plus R02 by 100 square इज इक्वल टू 0 से 1 और 1 से 2, मतलब 1.08:1 और 1.09:1। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, कर लो फाइंड, ये मल्टीप्लिकेशन करो और फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट। सॉरी 8.498, ठीक है, 8.498 बराबर 498, दो डेसिमल लिखो तो 8.5% ही आएगा। तो ये मैंने लॉजिक से तो करवाया आपको, ठीक है, बट इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट या इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस, के ये जो प्रोसीजर है ना तो उससे क्या हुआ के आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो के स्पॉट रेट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेलेवेंट फॉरवर्ड रेट्स, ऐसा लिख सकते हो के स्पॉट रेट अगर ढूंढना है तो जो रेलेवेंट फॉरवर्ड रेट्स है ना उसका ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक एवरेज ले लेने का, राइट। अब जैसे अपने को ये 3 साल का ढूंढना है, इज़न्ट इट, तो वो हमको 3 साल का ढूंढना है, तो 0 से लेके 3 ये हमको फाइंड करना है। तो जो 3 फॉरवर्ड रेट्स है ना 8%, 9%, 10%, उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेने का। ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हैं अपने, कि 8% मतलब 1.08, 9% मतलब 1.09, 10% मतलब 1.10, और 3 है इसलिए रेस्ट टू 1/3,
और लास्ट में माइनस वन, तो आंसर मिल जाएगा। एट परसेंट, नाइन परसेंट, टेन परसेंट का ज्योमेट्रिक मीन ले लो। करेक्ट, प्रैक्टिकली 9%। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो बुक में यस बोलो, हाँ बोलो बोलो। दो साल का पूछा था तो 8 और 9% का ज्योमेट्रिक मीन। हाँ तो पेज 261 पे एग्जांपल दिया है वो कर लो, पेज 261 पे एग्जांपल दिया है वो कर लो। Thank you. हो रहा है ना? अच्छा फिर क्विज जो है, फिर जो क्विज है उसमें सेकंड और थर्ड कर लो। पेज 266 सेकंड एंड थर्ड,
Online, all of you. हो गया सबका? क्या आंसर था रे? 8.85 बॉन्ड का वैल्यू 1009 है ना? ओके जाएं आगे, एक लास्ट चीज बाकी है वो खत्म करते हैं।
ओके सो पेज 260 पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, पेज 260 पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पार, वो लोग पार बॉन्ड रेट बोल रहे हैं, पार बॉन्ड रेट, बट यूजुअली वी कॉल इट पार रेट या स्वैप रेट, ठीक है। तो अब तक तो ऐसा था कि ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, और अभी भी ऐसा ही एक्चुअली, क्योंकि आप क्विज या कुछ भी देखो तो उसका भी एग्जांपल ले लिया है, बट फिर भी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने एक मेथड डिस्क्राइब की है ढूंढने को, और मैंने एक आध मॉक एग्जाम में इसका क्वेश्चन अभी देखा है, तो इसलिए मैं ये कैलकुलेशन कवर करवा रहा हूँ, राइट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है कि सेम स्टोरी, सपोज 1, 2, 3 ईयर उसके स्पॉट रेट दिए हैं 6%, 7%, 8% बराबर। अब सपोज मेरा जो बॉन्ड है वो ₹1,000 8% 3 ईयर बॉन्ड है, करेक्ट, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 80/1.06 + 80/1.07² + 1080/1.08⁸:3। तो जल्दी मुझे बताओ क्या आंसर है इसका, बराबर। अच्छा तो ये जो बॉन्ड है ना उसका कूपन 8% है, तो वैल्यू 1,002 point something आया, राइट। लेकिन सपोज ये बॉन्ड उसका कूपन सपोज C% रखो और वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, मतलब इस केस में 1000 ऐसा रखो कि ये जो बॉन्ड है उसको अगर मुझे 1000 करना है, मतलब पार वैल्यू जितना करना है, तो कूपन कितना होना चाहिए, तो कूपन कितना होना चाहिए, वो जो आंसर आएगा ना दैट इज कॉल्ड पार रेट, वो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड पार रेट। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, और देखो सिंप्लिसिटी के लिए भले ये 1000 है उसको अपने 100 बना दो, उसको अपने 100 बना दो तो इजी रहेगा, 100 का सी क्वेश्चन मतलब सी आएगा, तो सी अपॉन 1.06:1 प्लस सी अपॉन 1.07² प्लस जो थर्ड है वो मैं अलग लिख रहा हूं 100/1.08³ प्लस सी अपॉन 1.08³ इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए 100, राइट। और मतलब प्रोसेस वही है, सिर्फ कूपन रेट अभी सी है, तो सी डिवाइड बाय 1.06 कितना आ रहा है, मतलब 1/1.06 कितना आएगा, 4 डेसिमल तक बोलो, 0.9434C प्लस 1/1.07² कितना आएगा, 0.8734C प्लस 1/1.08³0.7938C प्लस, मतलब मैंने इसका आंसर लिखा और ये क्या आएगा 79.38 इज इक्वल टू 100 ऐसा होगा बराबर। तो ये जो सी वाले तीन टर्म्स है उनको आप ऐड कर दो, 0.9434 + 0.8734 + 7938
इसको ऐड करो, कितना 2.6106 C इज इक्वल टू, ये यहां चला जाएगा मतलब माइनस 100 माइनस 79.38 20.62 डिवाइड बाय 2.6106 कितना 7.90 मतलब 898 हाँ, तो ये ना C इज इक्वल टू 7.90 आया ना, दैट इज कॉल्ड पार रेट। बॉन्ड कितने साल का है? 3 साल का, इसको बोलते हैं 3 ईयर पार रेट। क्या बोलते हैं? 3 ईयर पार रेट। इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली कि ऐसा कैलकुलेशन पूछे, बट आई हैव जस्ट शोन इट टू यू बिकॉज उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। बट जो मेन चीज है वो स्पॉट और फॉरवर्ड रेट है। एग्जाम के लिए मेन चीज है स्पॉट टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू स्पॉट, स्पॉट टू फॉर प्रोसीजर पता है हमको, बट पूछने का चांस बहुत कम है, ठीक है। सो वी आर डन विद द चैप्टर।